अगर मेयो का हेल्दी रिप्लेसमेंट मिल जाए जो मेयोनेज जैसा ही क्रीमी और स्मूथ हो और खाने में उसी के टक्कर का हो, तो आप जरूर अपने बच्चों को रोज वही खिलाएंगे। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनाएंगे लगभग 15 मिनट में, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। कोई भी स्टेप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। एक बर्तन में एक स्ट्रेनर लेंगे और उस पर एक पतला कॉटन या मसलिन का कपड़ा रखेंगे। घर की फ्रेश दही लेनी है 5 से 6 बड़े चम्मच। ध्यान रहे दही एकदम फ्रेश और मीठी हो, खट्टी दही बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ेंगे जिससे इसमें पानी न रहे। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अंदर जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत पानी हो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे हंकर्ड यानी कि टंगी दही एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पानी को फेंके नहीं, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसका इस्तेमाल आप आटा गूंथने में लगा सकते हैं। अब एक बोल में दही और टोमेटो सॉस लेंगे और इसे फोक, हैंड विस्क, बीटर या सिर्फ चम्मच की मदद से ही फेटेंगे 5 मिनट तक। इस तरह थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे आपके लिए एक टिप है। दही और सॉस को 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सर में चला लीजिए। मेयो का स्मूथ और क्रीमी रिप्लेसमेंट एकदम तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल बर्गर मेयो जैसा लगता है। मैंने डिप के लिए थोड़ा सा अलग से निकाल के रख दिया है। अब इसमें अवेलेबिलिटी और पसंद की हिसाब से सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, खीरा और बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न लिया है। एक बार मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। फिर से इसे दोबारा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ओरिगैनो ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्टफिंग एकदम तैयार है। अब सैंडविच रेडी करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। हमेशा इसी और नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे सैंडविचेस हमने रेडी कर लिए हैं, अब इसे सेकेंगे। इसके लिए पैन पे मैंने घी लगाया हुआ है। ब्रेड को एक साइड से 1 मिनट के लिए सेकेंगे, दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और पलट करके दूसरी तरफ से भी इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेकेंगे। तो ये नो मेयो सैंडविच रेडी है। ये देखकर ही कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। आप इसमें चीज स्लाइस डाल करके इसे और टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। मस्ट ट्राई रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।